हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट, इसके बारे में हम लोग अच्छे से प्रॉपर डील करेंगे। हालांकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें कुछ कुछ पोर्शन आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप समझ समझ करके याद करोगे तो आप उसको माइंड में बहुत देर तक रख सकते हैं। हम लोग ये स्टार्ट करते हैं सॉलिड। इससे पहले हम लोग ये समझते हैं स्टेट ऑफ मैटर। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो पदार्थ या फिर मैटर। मैटर किसको बोलते हैं? ये वो सबस्टांस है जो अर्थ में कुछ स्पेस को कवर करेगा, जिसके पास अपना मास होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं। आमतौर की भाषा में स्टेट ऑफ मैटर तीन टाइप के हो जाते हैं। एक होता है सॉलिड, जिसको हम लोग हिंदी में ठोस बोलते हैं, दूसरे हो जाएंगे लिक्विड, और थर्ड हो जाएगा आपके पास गैस। एक रिसेंट अभी सर्च भी हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, लेकिन इसके बारे में हम लोग डील नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सिलेबस में नहीं है, ना तो आपके आईआईटी के सिलेबस में प्लाज्मा मिले। बस आप ये जान लो कि स्टेट ऑफ मैटर भी रिसेंट भी सर्च हुआ है, वो होता है आपके प्लाज्मा, जो कि कभी कभार पूछ भी सकता है लेकिन मोस्टली नहीं पूछते हैं। तो हम लोग गैस के बारे में हम लोग क्लास 11 में अच्छे तरीके से डील कर चुके हैं, गैसियस स्टेट चैप्टर में, जिसमें हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे और वैंडरवाल गैस इक्वेशन भी पढ़े थे। लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में कुछ कुछ पोर्शन हम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए थे और कुछ कुछ पोर्शन क्लास 12 में ही पढ़े हुए। क्लास 12 में हम लोग जो पोर्शन पढ़े थे वो डिटेल में पढ़े हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रूप में। थर्ड हम लोग आज स्टार्ट करने वाले फिजिकल का एक अनदर चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सॉलिड होता क्या है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का एक पार्ट है जिसके पास डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट शेप होता है, साइज भी डिफिनिट होते हैं और वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है, ये सारे फिक्स होते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर शेप फिक्स क्यों होगा, साइज फिक्स क्यों होगा और वॉल्यूम फिक्स क्यों होगा? आप शुरू से जानते आ रहे हो कि डिफिनिट शेप होते हैं, साइज होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, लेकिन ये डिफिनिट क्यों होता है, फिक्स क्यों होता है? तो इसके बारे में जानने के लिए हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इंटर पार्टिकल होगा क्या। सबसे पहले इंटर पार्टिकल देखो, जहां पर भी टर्म इंटर आ गया, इंटर का मतलब होता है बीच बीच वन, बीच बीचवा वाले हैं, इंटरमीडिएट। जैसे कि आप इंटरमीडिएट क्लासरूम में हो तो ना घर के हो ना घाट के हो, अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो इंटर क्रॉस करके आप अच्छे से डिग्री एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आप अच्छे से नहीं करें तब भी आप 10th तक ही कंक्लूड किए जाओगे। आप इंटर में, इंटर कहने का मतलब है कि आप बीच बीच में हो, एक जंक्शन पॉइंट आप कह सकते हो उसको, एक बीच बीचवा वाले। तो बिल्कुल उसी तरीके से इंटर पार्टिकल, इंटर मतलब बीच बीच में, बीच बीच कब होगा, जैसे कि मैं पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूं, सपोज करो ये हमारे पास कोई पार्टिकल है और यहां पर कोई पार्टिकल है, तो ये दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होगा, यहां पर जो दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहे होंगे, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां पर भी इंटर आ गया मतलब दो चीज के बीच की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंटर एटॉमिक कहने का मतलब क्या है कि दो एटम के बीच में, इंटर मॉलिक्यूलर कहने का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही कंसीडर कर सकते हैं, आप और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली कम से कम आपको कितने होने चाहिए, दो होनी चाहिए। चाहे आप पार्टिकल को कंसिडर करो, चाहे आप एटम को कंसिडर करो, चाहे आप मॉलिक्यूल को कंसिडर करो, अगर इंटर बोल दिया तो हम लोग दो के बीच में कंसिडर एक लाइन में कर लेंगे। अब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि किसको बोलते हैं, कि जब दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं बोलूं इस पार्टिकल को मैंने रिप्लेस कर दिया, ये आपके पास पार्टिकल है, इसके जगह पर अगर मैं एटम रख दूं, तब इस फोर्स को हम लोग क्या नाम बोलेंगे, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं इसके जगह पर मॉलिक्यूल रख दूं तब अपन लोग क्या बोलेंगे इसको, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहां पर भी इंटर टर्म आ गया मतलब दो के बीच की बात की जा रही है।
अब हम लोग देखते हैं कि ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे सॉलिड को डिफाइन करेगा। हम लोग जनरल एग्जांपल लेते हैं वाटर का, पानी H2O। H2O की हम लोग बात करते हैं, आपको पता है कि H2O तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और वेपर में भी पाया जाता है, जिसको हम लोग गैस ही बोल सकते हो। अगर मैं आइस कंसिडर करता हूँ इसको, जैसे कि आइस हो गए, बर्फ हो गए, लिक्विड जो हम लोग वाटर जो जनरली पीते हैं, और वेपर जो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। सपोज करो ये हमारे पास आइस का टुकड़ा है, यहां पर कुछ पानी है और ये आपके पास गैस है, ये तीन चीजें। इसके अंदर भी पार्टिकल है, यहां पर भी पार्टिकल है और यहां पर भी पार्टिकल है। अब एज्यूम करो कि दो एटम के बीच में, मान लो ये पार्टिकल मैंने कंसीडर किया, तो दो पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स तगड़ा होता है, फोर्स स्ट्रांग होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब दो पार्टिकल के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जब नजदीक आएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागना नहीं चाहेगा। मैं जनरली एग्जांपल देता हूं कि मान लो किसी इंसान के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, सपोज करो ए कोई इंसान है और बी कोई इंसान है, दोनों के बीच में खतरनाक बॉन्डिंग है। खतरनाक बॉन्डिंग कहने का मतलब क्या है कि ये इसके बहुत नजदीक जाएगा और ये इसके बहुत नजदीक आएगा। जैसे कि आप फैमिली के साथ घर पे रहते हो, फैमिली के साथ घर पे रहते हो, फैमिली के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, तब आपको कोई जबरदस्ती आपके फैमिली से अलग करेगा तो आपको दर्द होगा। दर्द क्यों होगा? क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। अब देखो, अब धीरे धीरे आप मूव करने चले गए, आप मान लो पटना चले गए या रांची चले गए, अपने घर से दूर चले गए, आपकी बॉन्डिंग थोड़ा सा कमजोर हुई है, कमजोर हुई है मतलब कुछ डिस्टेंस आपका बढ़ गया। अब वही आप विदेश चले जाओ तो आपकी बॉन्डिंग और कमजोर हो जाएगी, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर दो पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा काम कर रहा है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। डिस्टेंस यहां पर क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। अगर तो सॉलिड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं वो। अगर एक ऐसा सबस्टांस जो क्लोजली पैक्ड हो और उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो, तो उस टाइप के सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन सॉलिड हम लोग बोल सकते हैं, सॉलिड को कैसे डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, इन सॉलिड एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली कहने का मतलब क्या है कि एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस कम रहेगा, क्लोजली पैक्ड एंड दे आर held together by a strong force। अगर दो पार्टिकल के बीच में स्ट्रांग फोर्स काम कर रहा है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। अगर ये थोड़ा सा फोर्स कम हो जाए तब वो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर फोर्स और कम हो जाए तो उसको हम लोग गैस फॉर्म में ट्रांसफर कह देंगे। अब जैसे कि सपोज करो आप लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, हमने क्लास 11 में आपको पढ़ाया था कि गैस को एक दूसरे के नजदीक ला रहे थे, जैसे जैसे उसमें कॉलिजन करवा रहे थे, डिस्टेंस कम कर रहे थे, डिस्टेंस कम करोगे तो गैस सबसे पहले लिक्विड में ट्रांसफर होगा, और भी अगर डिस्टेंस कम कर दोगे तो सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। अब डिस्टेंस कम करने का मतलब क्या है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करनी है, हमें इंक्रीज कर देनी है। अब जरा एक चीज और गौर करना है यहां पे, जैसे अगर पानी है, आप पानी लेते हो, पीते हो पानी, इसको कंटेनर में लिया, इसमें हमने पानी को रखा, अब इसमें हीट दी, जैसे जैसे हीट दोगे तो ये फोर्स ये वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा। वाष्प कब बनेगा, अगर यहां पर मान लो एक पार्टिकल है और दूसरी पार्टिकल यहां पर है, मैंने यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, आप टेम्परेचर दिए तो यहां पर जो फोर्स था वो क्या पड़ गया, कमजोर पड़ने लगा, टूटने लगा। अब जैसे जैसे ये टूटेगा वैसे वैसे ये क्या भागेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, जब दूर जाएंगे तो आसानी से वेपर फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड,
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है सॉलिड की कंपैरिजन में तो उसको बोलेंगे लिक्विड, अगर बहुत कमजोर पड़ जाता है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, गैसेस बोलेंगे। तो सॉलिड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन सॉलिड एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस आर क्लोजली पैक्ड एंड दे आर हेल्ड टूगेदर बाई ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड। अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। अब देखो यहां पे ये जो फोर्स है और ये जो क्लोजली पैक्ड है यानी कि डिस्टेंस की बात की जा रही है, यही दो चीज रिस्पॉन्सिबल करवाएगा कि इसकी शेप कैसे डिफिनिट होगी, वॉल्यूम कैसे डिफिनिट करेगा और साइज कैसे डिफिनिट होगा। अब इसी के बारे में हम लोग आगे डील करने वाले हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, हमारे पास टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो हमारे पास दो कैरेक्टर पता चले, एक कैरेक्टर क्या पता चला सॉलिड में कि दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम सबसे पहला प्रॉपर्टी, सबसे पहला कैरेक्टर में क्या लिख सकते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल के बीच में मजबूत पड़ रहा है तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आएगा तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी डिस्टेंस की बात की जा रही है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की बात की जा रही है, यानी कि फोर्स तगड़ा तो डिस्टेंस क्या होगी, कम। तो हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं, नेग्लिजिबल बोल दो या फिर वेरी लेस भी कह सकते हो, बहुत कम होगा। अब यही दोनों चीज आपके रिस्पॉन्सिबल करने वाले डिफिनिट में। अब जरा सोचो, मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम डिफिनिट क्यों होगा, जरा ये सोचो। सपोज करो मैंने एक पत्थर लिया या फिर कोई भी सॉलिड मैंने ले लिया। अब सॉलिड कहने का मतलब क्या है कि दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स स्ट्रॉन्ग है, एफ आपके पास है स्ट्रॉन्ग। और दूसरी चीज क्या है, डिस्टेंस, ये क्या आपके पास मिनिमम। अब जरा सोचना, अगर दो पार्टिकल के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग है और डिस्टेंस क्या है, कम है, अगर मैंने इसमें हीट दिया क्या, तो क्या इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगा। इसका मतलब क्या है कि जब तक इसको तोड़ोगे नहीं ये अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, और जब तक वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं करेगा इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम आपकी क्या होनी चाहिए, फिक्स ही होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है। तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाके लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर होगा। तो वॉल्यूम फिक्स होने का, साइज फिक्स होने का और शेप फिक्स होने का, तीनों का रीजन क्या है आपके पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, सॉलिड हैव डिफिनिट डिफिनिट शेप साइज एंड वॉल्यूम, ये तीनों चीज डिफिनिट होगा या फिक्स होंगे। फिक्स होने का मेन रीजन क्या है, ऊपर दो पॉइंट लिखा हुआ है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है इसको डिफिनिट बनाने में, शेप साइज और वॉल्यूम को फिक्स करने में। अब एक और पॉइंट हम लोग लेते हैं, इसी में हम लोग देखते हैं कंसिडर करते हैं। मान लो फोर्स स्ट्रॉन्ग है, डिस्टेंस क्या है, मिनिमम। डिस्टेंस मिनिमम कहने का मतलब क्या है कि दो पार्टिकल के बीच में बहुत कम जगह है, यहाँ पे जगह क्या है आपके, कम है। मैं चाहता हूँ कि बाहर से मैं कुछ फोर्स अप्लाई करूं, इधर से मैं फोर्स अप्लाई करूं और इधर से मैं फोर्स अप्लाई करूं, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है आपके, मिनिमम। डिस्टेंस मिनिमम। अब जरा सोचो, मैं इधर से ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इधर से ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जगह तो बिल्कुल नहीं अंदर में ना, तो क्या ये कंप्रेस हो पाएंगे। मैं इन दोनों हाथ को ऐसे सटा दिया, अब सटाने के बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एक भी नहीं है। अब एक आदमी लेफ्ट साइड से आ रहा है, एक आदमी राइट साइड से आ रहा है, तो क्या ये डिस्टेंस जो मिनिमम हो चुका है, क्या इसको दबा करके और कम ला सकता है डिस्टेंस को, नहीं ला सकता, यानी कंप्रेस नहीं कर सकते इसको, कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। अगर कुछ डिस्टेंस रहता, जैसे कि मान लो इतना डिस्टेंस खाली रहता, अब इधर से कोई फोर्स लगाएगा, इधर से कोई फोर्स लगाएगा, तो ये आसानी से एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस है ही नहीं, अगर डिस्टेंस है ही नहीं तो दोनों तरफ से फोर्स लगा, उसकी डिस्टेंस में और कमी नहीं आएगी, कंप्रेस आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम लोग थर्ड पॉइंट लिख, फोर्थ पॉइंट यहां से लिख सकते हैं कि सॉलिड आर इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल कहने का मतलब क्या है कि आप दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करो
उसमें डिस्टेंस है ही नहीं, मिनिमम है अंदर में, तो उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। और भी हम लोग ले सकते हैं नेक्स्ट, जैसे अभी मैंने बात किया कि दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने वाले हैं, स्ट्रांग होने वाले हैं। मान लो यहां पे दो पार्टिकल है, मैंने फोर्स क्या बना दिया, बहुत स्ट्रांग बना दिया। अब जरा सोचो मैं इसमें हीट दूंगा तो हीट तो हमें ज्यादा देना पड़ेगा ना, तब ना जाके ये टूटेगा। और जब तक टूटेगा, हीट अगर हम लोग ज्यादा दोगे तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। टेम्परेचर ज्यादा दोगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो सॉलिड होते हैं उसके पास मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि दो पार्टिकल बीच में फोर्स क्या हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों के बीच मेल्टिंग पॉइंट और इनके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। हाई क्यों होगा? क्योंकि इनके इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तगड़ा है, और जितना ज्यादा तगड़ा होगा उसको तोड़ने में उतने ही ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा एनर्जी लगाओगे उतने ही ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगी, उतने ही ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। अब इसके बाद एक और हम लोग कैरेक्टर लेते हैं यहां से, ट्रांसलेशनरी मोशन का। अगर किसी भी सॉलिड को आप ट्रांसलेशनरी मोशन करवाओ, जैसे कि आइस है, तो आइस को ऐसे ही छोड़ दो तो ट्रांसलेशनरी मोशन नहीं करेंगे, हाँ लेकिन अपने पोजीशन पे ऑसिलेट जरूर करेगा। इसलिए सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड क्यों होगा? क्योंकि सॉलिड जो होते हैं वो ट्रांसलेशनरी मोशन कभी नहीं करते, वो हमेशा क्या करेगा, अपने पोजिशन पर ऑसिलेट करता रहेगा। अगर ऑसिलेट कर रहा है तो वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वो सबस्टांस क्या हो जाएगा आपके, रिजिड हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दे डू नॉट शो एनी ट्रांसलेशनरी मोशन बट दे डू नॉट शो एनी ट्रांसलेशनरी मोशन। ट्रांसलेशनरी मोशन बट इट ऑसिलेट अबाउट देयर पोजिशन। हेंस सॉलिड आर रिजिड। तो रिजिड क्यों हो गए? रिजिड इसलिए हो गए क्योंकि जो सॉलिड होते हैं वो कभी भी ट्रांसलेशनरी मोशन नहीं करते, हमेशा क्या परफॉर्म करता है, ऑसिलेट करेगा, अपने पोजीशन पे ऑसिलेट करेगा। तो इसके वजह से हमारे पास जो सॉलिड होते हैं वो क्या नेचर के हो जाते हैं, रिजिड नेचर के हो जाते हैं। अब सपोज करो मैंने आपको तीन चीज दिया, एक सॉलिड दिया, दूसरा लिक्विड दिया, और तीसरा क्या दिया, गैस दिया। अब ये तीन चीज जो है आपके पास, सॉलिड लिक्विड और गैस, अगर आप चाहो इसको डिफ्यूज करने के लिए, जैसे कि मान लो आपको मैंने मच्छरदानी दे दिया, मच्छरदानी में हॉल होते हैं ना, जिससे कि आसानी से मच्छर पास नहीं होते, एयर तो पास हो जाते हैं। अब मैं यहां पे तीन चीज आपको दिया, सॉलिड भी दिया, लिक्विड भी दिया और गैस भी दिया, मैं इधर डिफ्यूज करवाना चाहता हूं इसको। मैं सॉलिड को भी इससे ट्रांसमिट करवाया, लिक्विड को भी ट्रांसमिट करवाया, गैस को भी ट्रांसमिट करवाया। गैस आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि उसमें पार्टिकल साइज क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। लिक्विड थोड़ा डिफ्यूज करेगा लेकिन सॉलिड लगभग ना के बराबर डिफ्यूज करेगा। और मैं कह रहा हूं कि पत्थर को प्रसिद्ध मच्छरदानी में फेंक दो तो क्या पास हो जाएगा अच्छे से? नहीं, क्योंकि वो डिफ्यूजिबल पावर क्या होती है, उसके पास बहुत कम होती है। तो यहां पे नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, जो सॉलिड होता है, सॉलिड है लेस पावर ऑफ डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूज करने की टेंडेंसी इसके पास क्या है, कम है। तो ये कुछ कुछ कैरेक्टर हो गया, मैं एक मतलब रिकॉल कर देता हूं इसको कि क्या सॉलिड क्या होते हैं, जिसमें कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड रहेंगे या फिर क्लोजली पैक्ड रहेगा, और उसमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होंगे आपके पास, बहुत स्ट्रांग होंगे। अगर मैं इसी कैरेक्टर की बात करूं, पहला कैरेक्टर क्या है कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होगा या फिर स्ट्रांग होगा। सेकेंड क्या हो जाएंगे आपके पास, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वो क्या होंगे आपके, बहुत कम होंगे या फिर नेग्लेजेबल होगा।
इन दोनों रीजन की वजह से डिफिनिट शेप होगा, साइज होगा और वॉल्यूम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट था आपके पास, इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा थे और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या थे, बहुत कम थे। अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है तब चाहो उसको दबाने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, तो आप उसको कंप्रेस आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखे थे सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट हम लोग सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसके उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा था। आप चाहो उसमें फोर्स अप्लाई करने के लिए ज्यादा अगर चाहो उसमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होने की ज्यादा होने की संभावना है। इसके बाद ये कभी भी ट्रांसलेशनरी मोशन शो नहीं करते, हमेशा क्या करेंगे अपने पोजिशन पे ऑसिलेट करता रहेगा। अपने पोजिशन पे ऑसिलेट करने की वजह से ये सॉलिड क्या हो जाएंगे, आपके रिजिड नेचर का हो जाता है। इसके बाद सॉलिड के पास डिफ्यूजिबिलिटी पावर, डिफ्यूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। यहां पर कॉपी करो, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। तो हम लोग देखें सॉलिड के बारे में देखें और इसकी कुछ कुछ कैरेक्टर के बारे में पढ़े। अब देखो एक और सॉलिड होते हैं, जैसे कि आप है देखे होंगे खिड़की, देखे हो ना खिड़की में ग्लास, देखे हो आप शीशा लगा हुआ। तो जब तो शीशे लगाने के लिए, मान लो यहां पे ये शीशा है ये वाला, तो ये खपकता कैसे है, जितना साइज यहां पर उतना ही मोटाई यहां पर, जितना मोटाई यहां पर उतना ही मोटाई यहां पर, दोनों के बीच में हॉल करते हैं, शीशे को क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो जब जब आप जिस समय आप फिट कर रहे होगे, उस दौरान जितना यहां का डिस्टेंस है ना, जितना यहां पर मोटाई है, मान लो एक मीटर मोटाई है, यहां पर भी आपको एक मीटर ही मोटाई मिलेगा। लेकिन कुछ साल के बाद, 15 साल 20 साल के बाद, आप देखोगे कि ये जो होता है ना, इसकी मोटाई आप मेजर करोगे उस वक्त 15 साल के बाद, तो आपको इससे ज्यादा मिलेगा, एक मीटर से क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। कारण क्या है कि जैसे जैसे टाइम एलैप्स करता गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये ग्लास क्या होता है, फ्लो करता है, धीरे धीरे फ्लो करेगा। ये सॉलिड तो होते हैं लेकिन अच्छे वाले सॉलिड नहीं होते, सुपर कॉल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है इसको, इस ग्लास को, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी क्या होती है कि आसानी से ये फ्लो कर सकते हैं। स्टार्टिंग टाइम में जिस वक्त आप ग्लास फिट कर रहे थे, ऊपर की मोटाई और नीचे की मोटाई आपको सेम मिलेगी, लेकिन 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद आप ये देखोगे कि जो नीचे वाले होते हैं, नीचे वाले की मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मोटाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि ग्लास जो होते हैं वो फ्लो करने लगते हैं और नीचे की तरफ ये एक्युमुलेट हो जाता है, जमने लगता है, जिसकी वजह से इसकी मोटाई यहां पर बढ़ जाती है, यहां पर मोटाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम लोग एक स्टार पॉइंट लगा लेते हैं यहां पर, लिख लो यहां पर, ग्लासेस आर रिगार्डेड, ग्लासेस आर टू बी रिगार्डेड एज, रिगार्डेड एज सुपर कोल्ड लिक्विड, लिक्विड सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है इसको, ड्यू टू इट्स हैव एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू फ्लो, या फिर कह सकते हो इट हैव टेंडेंसी टू फ्लो भी कह सकते हो, या फिर टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो। तो ग्लास जो होते हैं उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, क्या रिगार्ड करते हैं उसको, सुपर कॉल्ड लिक्विड। सुपर कॉल्ड लिक्विड कहने का मतलब क्या है कि वो अच्छे वाले सॉलिड नहीं है, लिक्विड और सॉलिड के बीच बीच में पाया जाता है ये। तो ग्लासेस को हम लोग सुपर कॉल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसके पास एबिलिटी होते हैं फ्लो करने की, या फिर टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, इसके बाद ग्लासेस को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कॉल्ड लिक्विड कहते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड को देखेंगे, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास, टाइप्स ऑफ सॉलिड। बेसिकली सॉलिड आपके दो टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकेंड होते हैं आपके पास एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड के नाम से जानते हैं और एमोर्फस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड, स्यूडो कहने का मतलब क्या है, फॉल्स।
क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड, और अमॉर्फस सॉलिड को अपन लोग क्या बोलते हैं? स्विडो सॉलिड बोलते हैं। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलेंगे, अमॉर्फस सॉलिड किसको बोलेंगे। अब देखो यहां पर मैं बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक घेरा, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यहां पर मैंने कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है, और इस अरेंजमेंट को मैं देता हूं ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। देखो यहां पर एक रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर है कि ए के बाद बी आया है, बी के बाद फिर ए आया है, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। इधर से भी जाओ, ए के बाद बी आया है, बी के बाद ए आया, फिर नीचे से जाओ ए बी ए बी ए बी, इधर आओ ए बी ए बी ए बी। तो आपको दिख रहा होगा ये रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर कर रहा है कि ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, ए के बाद बी है। अगर इस टाइप का एटम का अरेंजमेंट मिलता है तो इस टाइप के जो सॉलिड बनेंगे उसको अपन लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कब बोलेंगे हम लोग? जिसमें कि एटम्स हो गए, आयन्स हो गए, या फिर मॉलिक्यूल्स हो गया, उसकी रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होगी। मतलब जैसे कि ए है तो बी आ रहा है, बी के बाद ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। अब आप जान सकते हो कि बी के बाद कौन आने वाले हैं? ए आने वाले हैं। उसके बाद कौन आएगा? बी आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ए आएगा। तो रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर में अगर अरेंजमेंट होता है तो उस टाइप के सॉलिड का हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। अब अमॉर्फस सॉलिड किसको बोलेंगे? जैसे कि एक और मैं कंसीडर करता हूं, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ। मैंने यहां ए लिया, बी लिया, फिर बी लिया, फिर ए लिया, फिर बी लिया, फिर ए लिया। यहां पर लिए ए ए ए बी बी ए, यहां पर लिए बी बी ए ए बी बी। अब देखो यहां पर जो यहां पर एटम का जो अरेंजमेंट है, ये एटम का अरेंजमेंट रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर में नहीं है। यहां पर ए के बाद बी है, फिर बी आ गया। रेगुलर रिपीटिंग कब होते? ए के बाद बी आता, फिर क्या आता? ए आता, फिर उसके बाद बी आता, फिर ए आता, फिर बी आता। तो अगर यहां पर रैंडमनेस मैनर में आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, यहां पर रिपीटिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट दिख रहा है, यहां पर क्या अरेंजमेंट दिख रहा है आपके? रैंडमनेस मैनर में। अब यहां पर मैं कहूं कि भाई मुझे बता दो कि यहां पर कौन आने वाले, ए के बाद कौन आएगा, तो आपको हमको पता नहीं है, क्योंकि यहां पर अरेंजमेंट क्या है? रैंडमनेस, रैंडमनेस है। लेकिन अगर मैं यहां पर पूछूं तो आप बता सकते हो कि कौन कौन आने वाले हैं। ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, के बाद फिर कौन आने वाले? ए आने वाले, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि ए आने वाला है, क्योंकि रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर में इसके बाद वो होना ही है। लेकिन यहां पर आपको एग्जैक्ट एज्यूम आप नहीं कर पा रहे हो। इस टाइप की जो सॉलिड होते हैं जिसमें कि रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है एटम्स का, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर उसमें रेगुलर रिपीटिंग नहीं अरेंजमेंट मिल रहे हैं तो उसको आप हम लोग क्या बोलते हैं? अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलने वाले हैं, अमॉर्फस सॉलिड किसको बोलने वाले। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलेंगे? जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस का जो अरेंजमेंट होंगे वो रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर में होगा, वो भी थ्री डायमेंशनल में। अमॉर्फस सॉलिड किसको बोलेंगे? जिसमें कि रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। अब हम लोग दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी तरफ लिखेंगे अमॉर्फस सॉलिड, और दोनों के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंशिएट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पहले दो कॉलम बना लेते हैं हम लोग। एक तरफ हम लोग लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे तरफ हम लोग लिखते हैं अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। हम लोग क्या बात किए कि जैसे कि मैंने एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, दो तीन चार पांच छ, हमने क्या बात किया? जो एटम मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे? रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर में। जैसे कि ए के बाद बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। नीचे से आओ, ए के बाद बी आया, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर नीचे आओ, ए बी ए बी ए बी। यहां पर दिख रहा होगा आपको पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर में, कि ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है। अगर इस टाइप का अरेंजमेंट होता है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से? द सॉलिड इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल्स,
और आयंस, आर अरेंज्ड इन रेगुलर रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल पैटर्न कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट नहीं होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अमॉर्फस सॉलिड। दूसरी तरफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन सॉलिड एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल पैटर्न। तो अगर रेगुलर रिपीटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, रैंडमनेस अरेंजमेंट होगा। या फिर कह सकते हो इन स्टीड ऑफ रेगुलर रिपीटिंग रैंडम अरेंजमेंट कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। इन सॉलिड एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल पैटर्न, इनस्टेड ऑफ रेगुलर रिपीटिंग रैंडम अरेंजमेंट आर प्रेजेंट। यहां पे आर प्रेजेंट कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहां से, एक दो तीन चार पांच छ, मैंने यहां एक पार्टिकल रखा, फिर बी फिर ए, यहां पर बी ए ए बी ए बी, यहां पर ए बी बी ए ए बी। अब देखो यहां पर कोई भी एटम का अरेंजमेंट रेगुलर रिपीटिंग नहीं है। यहां पर ए के बाद बी आ जा रहा है, फिर बी के बाद बी आ जा रहा है, उसके बाद फिर ए आ जा रहा है, फिर बी आ जा रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर नीचे आ जाओ बी ए ए। तो यहां पर देखो अरेंजमेंट क्या है, आपकी इररेगुलर है। अगर मैं पूछूं कि भाई मुझे बता दो कि आगे कौन से पार्टिकल आने वाले हैं, ए या बी, तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि यहां पर अरेंजमेंट कैसा है, आपका रैंडमनेस है। अगर यहां पर रेगुलर रिपीटिंग होता तब उसको हम लोग क्रिस्टलाइन बोलते, लेकिन अरेंजमेंट यहां पर क्या है, आपके रेगुलर रिपीटिंग नहीं बल्कि इररेगुलर है या फिर रैंडमनेस मैनर में है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। तो अमॉर्फस सॉलिड किसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको जिसमें कि पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर रिपीटिंग में नहीं होता उसको हम लोग बोलेंगे अमॉर्फस सॉलिड, और जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर रिपीटिंग में होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए इसके बाद सेकंड, ये आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर में काम करते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि देखो आप बिना कुछ जाने, आप ये पहले से जान क्या, बिना कुछ सोचे आप यहां से देख के सिर्फ बता सकते हो कि अगला पार्टिकल कौन आने वाला है। ये इन्फिनाइट तक जाता रहेगा आपका, जैसे कि यहां पर ए है, बी है, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी। तो ये लॉन्ग रेंज बनाएगा आपका, बहुत लंबा रेंज बनाएगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो ऑर्डर होंगे वो कैसे होंगे, आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, आपके पास आप देख के नहीं बता सकते कि अगला पार्टिकल कौन आने वाली है, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो आपके टाइटली पैक्ड होंगे, और अच्छा वाला सॉलिड है तो इसके पास मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट होगा, फिक्स होगा, डिफिनिट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, आपके पास फिक्स होंगे या फिर डिफिनिट होंगे, लेकिन इसका डिफिनिट नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दे हैव डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, दे डू नॉट हैव डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो ये जो सॉलिड होते हैं, आप चाहो इसको टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, किस सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की,
आपके स्लैंड सॉलिड को आप ये क्या कहते हैं रूम के रूप में भी अरेंजमेंट कर सकते हो आप इसको, रूम के रूप में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर बनाया हूँ इसके थ्रू भी हम लोग देख लेते हैं। आप इसको कट कर सकते हो बहुत आसानी से, टुकड़ों टुकड़ों में आप इसको बांट सकते हो, ए को काट के अलग कर दो, बी को काट के अलग कर दो, हो जाएगा। लेकिन इसमें आप नहीं कट कर सकते, जैसे कि एग्जाम्पल में लेता हूं प्लास्टिक या फिर रबर। आप प्लास्टिक को कट करो, कट करोगे तो हाफाजाइन मैनर में कट होता है, मतलब रेगुलर रिपीटिंग में आप ये कट नहीं होंगे, दो टुकड़े में कटेंगे लेकिन ये अच्छे से कटने वाले नहीं। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता, आप चाहो तो आप इसको कट करके इक्वल इक्वल पार्ट में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। हम लिख सकते हैं यहां पे फोर्थ नंबर पे दे ब्रेक्स इंटू पीस, दे ब्रेक्स इंटू पीसेस विथ प्लेन सरफेस, विथ प्लेन सरफेस। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, इसको भी आप चाहो तो इसको भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन ये प्लेन सरफेस में नहीं कट होगा, शार्प कट बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे कट होंगे, इरेगुलर कट होंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं दे ब्रेक्स इंटू टू पीस, दे ब्रेक्स इंटू टू पीस विथ इरेगुलर सरफेस, विथ इरेगुलर सरफेस। कट दोनों होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कट होगा और अमॉर्फस सॉलिड भी कट होगा, लेकिन ये जो कट होंगे वो प्लेन सरफेस की जैसा कट करेंगे, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में आप कट कर सकते हो इसको। लेकिन यहां पर जो कट होगा वो सिर्फ दो ही पीस में कट होगा, और वो कैसे होंगे, इरेगुलर कट करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। ये कुछ चार पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर फाइव, इसके पास सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक कहने का मतलब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे सिमेट्रिक के बारे में। इसको हम लोग कह सकते हैं दे पोजेसेस सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको, सिमेट्री क्या होता है। इसके पास सिमेट्री नहीं होते, दे डू नॉट पोजेसेस सिमेट्री। नेक्स्ट, इसके पास इंटरफेसियल एंगल होता है। अब जरा सोचो, अभी जब लेक्चर में स्टार्ट किया था मैं इंटर का जिक्र किया, तो इंटर कहने का मतलब बीच बीच में, तो इंटरफेसियल कब होगा, दो फेस के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेसियल एंगल। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, सपोज करिए हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, मैंने ये जो ब्लैक बोर्ड है, अगर एक ब्लैक बोर्ड इधर से भी रहे इसको हम लोग बोल देंगे फेस, और इधर वाले को भी क्या बोल देंगे, फेस। अब दोनों के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल का अपन लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेसियल एंगल। तो यहां पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके पास इंटरफेसियल एंगल होता है, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड के पास इंटरफेसियल एंगल नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर दे पोजेसेस इंटरफेसियल एंगल। और यहां पर क्या हो जाएगा, दे डू नॉट पोजेसेस इंटरफेसियल एंगल। हम लोग ये दोनों चीज को अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, कि सिमेट्री क्या होता है, इंटरफेसियल एंगल क्या होती है, सारी चीज हम लोग बात करेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास सिमेट्रिक होते हैं और इंटरफेसियल एंगल होता है, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड के पास ये दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एक जो है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये एनआइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, इसके बारे में अभी हम डील करने वाले हैं कि एनआइसोट्रॉपिक नेचर होता क्या है। और ये आपके पास होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये कुछ डिफरेंसेस हो जाएंगे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड का और अमॉर्फस सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल क्या क्या हो जाता है इसका, जैसे कि सुगर, चीनी हो गया,
या फिर नमक NaCl PTCl आप ले सकते हो, या फिर आप सिलिका हम लोग देखेंगे अभी, शुगर हो गए, NaCl हो गए, ये सारे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत में आते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड में आपके कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि आपके रबर हो गए, प्लास्टिक हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एनआइसोट्रॉपिक नेचर, और उसके बाद देखेंगे हम लोग आइसोट्रॉपिक नेचर। तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड देखें। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आइसोट्रॉपिक नेचर और एनआइसोट्रॉपिक नेचर। अभी हम लोग देखेंगे इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनआइसोट्रॉपिक नेचर, ट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक नेचर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनआइसोट्रॉपिक नेचर के बारे में। जैसे सपोज करो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरेंजमेंट कैसे होंगे, रेगुलर रिपीटिंग, ए बी ए बी ए बी, इधर ए है तो बी आएगा, बी ए बी ए बी ए, बी है तो ए आएगा, ए बी ए बी ए बी। कोई भी दो डायरेक्शन को आप चूज कर लो, मैंने डायरेक्शन लिया कुछ एक ऐसा लिया मैंने डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन मैंने ऐसा लिया। अब देखो ये पैटर्न है आपके रेगुलर, तो कैसे मिलेंगे आपके क्रिस्टलाइन का, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहां पर मैंने दो डायरेक्शन को लिया है, एक डायरेक्शन नंबर वन और यह डायरेक्शन नंबर टू। डायरेक्शन वन को देखो, डायरेक्शन नंबर टू को देखो। डायरेक्शन वन में अरेंजमेंट कैसा है, बी ए बी ए बी ए। अब अगला कौन आने वाले, बी आने वाले, फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। ये रेगुलर रिपीटिंग आपके चलते जाएंगे। अब यहां पर देखो रिपीटिंग कैसे है, ए ए ए, इसका रिपीटिंग अलग, इसका रिपीटिंग अलग, दोनों का डायरेक्शन, डायरेक्शन आप चेंज करते जाओ, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती जा रही है आपकी, चेंज होती जा रही है। यहां पर डायरेक्शन चेंज करते जाओ, रिपीटिंग चेंज, अगर रिपीटिंग चेंज तो प्रॉपर्टी चेंज, कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो यहां से, तो अगर डायरेक्शन को चेंज करते जा रहे हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जा रही है, तो उस टाइप की नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉरी एनआइसोट्रॉपिक नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपिक नेचर। तो एनआइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या हो जाएगा, कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई भी डायरेक्शन को आप चूज कर लो, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी आपको डिफरेंट पता चलेगा, तो उस टाइप के नेचर को हम लोग बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक नेचर। यहां पर देखो, यहां पर डायरेक्शन नंबर वन रिपीटिंग कैसा है, बी ए बी ए बी ए, यहां से ये डायरेक्शन मैंने लिया, ए ए ए, ऐसा रिपीटिंग आपको मिलता चला जा रहा है। ये भी रिपीटिंग अलग है, ये भी रिपीटिंग अलग है। अगर दोनों का रिपीटिंग अलग हो जाता है तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, यानी कि डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती जाएगी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो रही है तो इस टाइप के नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपिक नेचर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज दे शो डिफरेंट डायरेक्शन, सॉरी दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है लिख लो, दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉमा डेंसिटी etc इन डिफरेंट डायरेक्शन कॉल्ड। अच्छा, ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कब मिला, जब डिफरेंट डायरेक्शन में गया था, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गए, ये क्यों हुआ,
ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर रिपीटिंग कैसे थे, रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट में एटम था यहाँ पे। अगर रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तब डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीटिंग को जाओ, डायरेक्शन चेंज करोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होती चली जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर बोलते हैं। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी ईटीसी इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू, कारण क्या है, ड्यू टू इट्स हैव रेगुलर रिपीटिंग रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल में आप एटम लिख सकते हो ऐसे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल और आयंस। ये रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होने के वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देता है तो उस टाइप की नेचर का अपन लोग क्या बोलने वाले हैं, एनाइसोट्रॉपिक नेचर बोलने वाले हैं। अब एनाइसोट्रॉपिक नेचर कौन शो करेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करने वाले हैं। अगर हम लोग आगे देखते हैं कि आइसोट्रॉपिक नेचर के बारे में, तो आइसोट्रॉपिक का पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पर मैंने अरेंजमेंट लगाया, अरेंजमेंट कैसे होंगे, रैंडमनेस अरेंजमेंट होगा। जैसे कि मान लो मैंने ए लिया, यहाँ पे बी हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, फिर ए हो गया फिर बी हो गए, फिर यहाँ पे बी हो गए, ए हो गए, ए हो गए, बी बी ए, फिर यहाँ पे बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, फिर ए हो गए, ए हो गए, ए बी हो गए। अब देखो यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा है आपका, रैंडमनेस है। अगर अरेंजमेंट आपके रैंडमनेस मिल जा रहे हैं, इसका मतलब सॉलिड कैसा है, अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। अब कोई भी इसमें दो डायरेक्शन को चूज कर लो आप, जैसे मैंने यहां पे ये डायरेक्शन को चूज कर लिया और दूसरा ये डायरेक्शन को चूज कर लिया। यहां पे देखो, यहां पर आप अब मुझे बताओ, यहां पर मैंने एक बॉक्स रखा है और आपसे पूछ रहा हूं कि इस डायरेक्शन में, इस बॉक्स में कौन आने वाला है, पार्टिकल ए या पार्टिकल बी, क्या बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, क्योंकि अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर रिपीटिंग नहीं है, हाफाजाइड मैनर में या फिर रैंडमनेस मैनर में। अब देखो यहां पर भी आप नहीं बता पाओगे और यहां पर भी आप नहीं बता पाओगे कि यहां पे कौन से पार्टिकल आने वाले हैं, ए पार्टिकल आने वाला है या बी पार्टिकल आने वाले हैं। तो दोनों की हम लोग अलग अलग हम लोग देख रहे हैं, यहां पर भी आप नहीं बता पा रहे हो, यहां पर भी आप नहीं बता पा रहे हो, तो हम लोग यहां पर भी नहीं देख पा रहे, यहां पर भी नहीं देख पा रहे, तो हम लोग इन दोनों को सेम कंपेरिजन, सेम एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, सेम। सेम मैंने क्यों एज्यूम किया, क्योंकि यहां से देखो, यहां पर भी नेक्स्ट पार्टिकल कौन आने वाले थे आप नहीं बता पाए, यहां पर भी कौन पार्टिकल आने वाले थे नहीं बता पाए, लेकिन यहां पर आप बता पा रहे थे बी के बाद ये आने वाले हैं, ये के बाद बी आएगा, बी के बाद ये आएगा, आप बता पा रहे थे, इसलिए मैंने डिफरेंट मान लिया कि यहां पर क्या आने वाला है ये आपको पता है, यहां पर क्या आने वाला है आपको ये पता है, लेकिन यहां पर आपको पता नहीं था कि कौन सा आने वाले हैं। नहीं, जब नहीं पता है तो हम लोग यहां पर इन दोनों को हम लोग क्या मान लिए हैं, सेम मान लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आप किसी भी डायरेक्शन से होकर के जाओ, किसी भी डायरेक्शन से होकर के जाओ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको हमेशा सेम मिलेगा। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मिल जाता है तो उस टाइप के नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से, अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज दे शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी ईटीसी, ईटीसी आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी आपकी, सेम मिलेगी। और ये कारण क्यों होगा, क्या होगा, ड्यू टू इट्स हैव रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल
और आयंस। तो अमॉर्फो सॉलिड में जो होते हैं आपके आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। कारण क्या होता है आइसोट्रॉपिक नेचर? दे सो फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, दे सो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ईटीसी आर इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू इट्स रैंडमनेस अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और आयन। ये हमेशा प्रॉपर्टीज आपको क्या दिखाएगा? सेम दिखाएगा, चाहे आप कोई भी डायरेक्शन में चले जाओ। अगर कोई भी डायरेक्शन में जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी सेम हो जा रही है, इसका मतलब वो नेचर कौन से है? आइसोट्रॉपिक इन नेचर का है। तो ये आप दो चीज कॉपी करें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एक स्टार पॉइंट है वो लगा लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक टर्म आता है सिलिका का, एक सबस्टांस है आपके सिलिका, सिलिका ये जो सिलिका सबस्टांस है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिट करता है और अमरफस फॉर्म में भी एग्जिट करता है, यानी कि दोनों फॉर्म में आपके एग्जिट करने वाले हैं। ये सिलिका आपके दोनों फॉर्म में एग्जिट करेंगे, क्रिस्टलाइन के फॉर्म में भी, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अमॉर्फस फॉर्म में, अमॉर्फस स्टेट। इसको लिख लो बोथ इन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस स्टेट। जो सिलिका होते हैं ये दोनों नेचर शो करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी शो करेगा और अमॉर्फस सॉलिड भी आपके शो करने वाले हैं। एक होते हैं क्वार्ट्ज, ये जो होते हैं ये ओनली क्रिस्टलाइन नेचर में एग्जिट करते हैं। ये दो एग्जांपल आपके आते हैं एग्जाम में कि सिलिका आपके किस टाइप के नेचर होते हैं, तो ये आपकी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस दोनों मिल जाता है, और क्वार्ट्ज जो होते हैं आपके पास ओनली क्रिस्टलाइन स्टेट में पाए जाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतने ही लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल। लेकिन अगर इससे पहले ये सारे टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ शेयर करें, लाइक करें। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही, देखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।